मौसम विभाग ने झारखंड राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की है। रांची मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसका कारण एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो बंगाल की खाड़ी से नमी ला रहा है और एक ट्रफ जो झारखंड होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश जा रहा है। इसी सिस्टम का व्यापक असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। 19 तारीख में जो सिस्टम का व्यापक असर है उस दिन में आपको कुछ कुछ जगहों पे ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। खासकर अगर बात किया जाए तो जिलेवार गुमला खुटी सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम रांची लोहरदगा और लातेहार के कुछ इलाकों में आपको ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी संभावना जताई जा रही है। और जब थंडर क्लाउड बनेंगे और उस समय जो हवा के झोंके हैं वो आपके कल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकता है और स्क्वाली विंड चलने की संभावना जताई जा रही है। और अगर बात किया जाए तो कुछ जगह पे खासकर जो दक्षिण पश्चिम झारखंड है सटे हुए जो मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको कुछ जगह पे भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कल के लिए। और 20 तारीख में थोड़ा सा सिस्टम का प्रभाव कम हो जाएगा और जो पश्चिमी मध्य और दक्षिणी भाग है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्जन वज्रपात आपको देखने को मिलेगा। 21 तारीख में सिर्फ आपको गर्जन वज्रपात है, हवा का कोई भी चेतावनी नहीं। 22 तारीख से कोई भी वैसी चेतावनी नहीं जारी की जाती है, मौसम शुष्क और ड्राई रहेगा। वहीं 21 मार्च को सिस्टम का प्रभाव अल्प हो जाएगा और राज्य के दक्षिण और उससे सटे स्थानों पर खासकर कोल्हान में बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद 22 मार्च और 24 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।